कांवड़ियों को बीच सड़क पर बियर बांट रहा था, पुलिस ने लॉकअप में भेज दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क पर खड़ा एक शख्स वहां से गुजर रहे कांवड़ियों को बियर बांट रहा है। कुछ लोग सीधे सीधे लेने से मना कर दे रहे हैं, कुछ बियर की कैन ले भी रहे हैं। बियर देने के बाद वो शख्स कांवड़ियों के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले रहा है, लेकिन बियर बांट रहे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, अभी लॉकअप में बंद है। वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम योगेश है। अलीगढ़ के सलाम गार्ड रोड से महाशिवरात्रि के मौके पर कांवड़िये गुजर रहे हैं। यहीं बीच सड़क पर योगेश कांवड़ियों को बियर बांट रहा है। इस अनोखे कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल हुआ तो मामला पुलिस तक भी पहुंचा। ट्विटर पर कई लोग वीडियो शेयर कर अलीगढ़ पुलिस से शिकायत करने लगे। लोगों ने कहा, खुलेआम बियर बांटकर वो कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। देवव्रत नाम के ट्विटर यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस अलीगढ़ पुलिस को टैग किया। उसने लिखा, महोदय, सोशल मीडिया पर वायरल उक्त वीडियो अलीगढ़ का बताया जा रहा है, जिसमें कांवड़ियों को खुलेआम बियर बांटकर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कृपया त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें। ट्विटर पर आदित्य भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, सनातन और सनातन संस्कृति को खंडित करने का प्रयास। अलीगढ़ जिले में कांवड़ियों को बियर बांटते हुए अज्ञात युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने अज्ञात शख्स पर FIR दर्ज की, तलाश जारी। कृपया #UP पुलिस की मदद करें, जल्द से जल्द ये युवक पकड़ा जाए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी। अलीगढ़ के कुआरसी थाने में योगेश के खिलाफ एक्साइज एक्ट की धारा 60(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। अलीगढ़ के CO सिविल लाइन शिव प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि योगेश के पास से एक मोटरसाइकिल और 14 कैन बियर बरामद की गई है। अब चूंकि पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो कुछ लोग पुलिस पर भड़क भी गए। ट्विटर पर कई लोगों ने सवाल किया, उसे किस सजा के लिए गिरफ्तार किया गया है? उसने कुछ अपराध तो किया नहीं, ना ही वो जबरदस्ती किसी को बियर बांट रहा है। इस तरह इस मुद्दे पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। ट्विटर पर सी रमन कुमार ने इस कार्रवाई पर अलीगढ़ पुलिस से सवाल किया। उन्होंने पूछा, योगेश सिर्फ बियर ऑफर कर रहा है, साफ दिख रहा है कि कुछ कांवड़ियों ने लिया भी है। मानकर चल रहा हूं कि उसने बियर वैध तरीके से खरीदी होगी, तो फिर उसने अपराध क्या किया है, क्योंकि वो जबरन किसी को पीने के लिए नहीं दे रहा है। अरिंदम नाम के एक और यूजर ने लिखा कि क्या ये प्रतिबंधित है, क्योंकि कई ऐसे वीडियो है जिसमें कांवड़ी अपने पास रखे गांजे को दिखाते हैं और कैमरे पर फूंकते भी है। मेरे ख्याल से बियर तो नशे का सिर्फ एक और माध्यम है। अभी तक ये पता नहीं चला कि योगेश कांवड़ियों को बियर क्यों बांट रहा था। उधर जिस दुकान से योगेश ने बियर खरीदी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट ने दुकान वाले के खिलाफ नोटिस जारी किया है कि उसने एक साथ इतनी बियर कैसे बेच दी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।